आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ग्वार का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले आधे से भी कम बताया जा रहा है। मंडियों में अच्छी क्वालिटी का ग्वार उपलब्ध नहीं है। ज्यादातर ग्वार किसानों ने और व्यापारियों ने स्टॉक किया हुआ है। अमेरिका में कच्चे तेल के उत्पादन बढ़ने की खबरों से भी ग्वार की कीमतों को सपोर्ट मिला है। ग्वार पर केडिया एडवाइजरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि ग्वार के फंडामेंटल्स मजबूत हैं। अक्टूबर 2021 तक ग्वार सीड में अजय केडिया काफी मंदी में थे और NCDEX पर नीचे में 5600 तक का लेवल भी देखने को मिला था, लेकिन जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है और अमेरिका ने रूस के कच्चे तेल को खरीदने से मना कर दिया है और बोला है कि अमेरिका अपने कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएगा, तब से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बन रही है, जिसका सपोर्ट ग्वार पर देखने को मिला है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने भी 13 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल के उत्पादन होने का अनुमान लगाया है। दरअसल अमेरिका के कच्चे तेल के कुएं नए हैं, जिसमें कच्चे तेल की ड्रिलिंग के लिए ग्वार गम का इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ता है तो ग्वार की कीमतों को सपोर्ट मिलता है। अजय केडिया का कहना है कि वर्तमान में ग्वार वायदा में अभी सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, ज़्यादा तेजी मंदी नहीं बन रही है, लेकिन अगर 2 से 3 महीने की अवधि के लिए प्लान किया जाए तो ग्वार सीड का वर्तमान में स्तर 6100 है। यहाँ से ग्वार सीड में खरीदारी में रहा जा सकता है। अप्रैल के महीने तक ग्वार सीड 6550 तक का लेवल दिखा सकता है और अगस्त तक 8000 तक का भी लेवल ग्वार सीड में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।